अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेविगेशन या मेन्यूज की। तो वेबसाइट के अंदर आपने अक्सर टॉप पे देखे होंगे मेन मेन्यू, या बॉटम के अंदर डिफरेंट लिंक्स देखे होंगे, वो किस तरह से ऐड करते हैं और मेन्यूज किस तरह से होते हैं। हमने जो कलेक्शंस बनाई थी उनको किस तरह से फ्रंट एंड पे शो करवाना है, हमने जो पेजेस बनाए थे उसको किस तरह से फ्रंट एंड पे शो करवाना है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊँ और इसके होम पेज के ऊपर कुछ इस तरह से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्टोर अवेलेबल है, राइट। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो मेन्यूज़ है वहाँ पे सिर्फ दो मेन्यू है, एक ये जो है हमारे पास होम और दूसरा कैटलॉग, और यहाँ पे हमारे पास जो है मेन्यू है डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास शेयर है प्रीव्यू, क्लोज प्रीव्यू, इसको मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें, हमारे पास नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है। इस नेविगेशन के ऑप्शन पे हम आएंगे और यहाँ पे देखें, हमारे पास डिफरेंट जो है मेन मेन्यूज अवेलेबल है, फुटर मेन्यू अवेलेबल है। अगर हम अपने थीम के ऊपर आएँ तो यहाँ पे देखें, होम, कैटलॉग, अबाउट अस, यहाँ पे तीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर हम बॉटम के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे देखें, ये सर्च आइकन यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें, ये सर्च वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब अपनी कलेक्शंस वगैरह, कैटेगरीज वगैरह जो हमने बनाई थी उनको, या पेजेस, उनको हम यहाँ पे कैसे शो करवाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखें मेन मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास होम, कैटलॉग और अबाउट अस था। यहाँ पे देखें, होम, कैटलॉग और अबाउट अस यहाँ पे होम मेन मेन्यू के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे और मेन्यूज ऐड करने हैं, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। हम लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्टर्स का ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे सारे पेजेस नजर आ जाएंगे। हम कॉन्टैक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करूंगा, तो यहाँ पे देखें कॉन्टैक्टर्स का वही पेज यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है। अब सिमिलरली इसको अगर मैं बॉटम में शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, और यहाँ पे देखें हमारे पास फुटर मेन्यू अवेलेबल है, और फुटर मेन्यू के में यहाँ पे सर्च आइटम है। मैं यहाँ पे और आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं अबाउट का ऑप्शन पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अबाउट इसको मैंने ऐड कर दिया। अगेन कॉन्टैक्ट को भी मैं फुटर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अगर कलेक्शन को भी ऐड करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे शूज़, और हमारे पास शूज़ की यहाँ पे देखें कलेक्शंस के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे देखें शूज़ वाले जो कलेक्शन है वो हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो गई। तो मैं इसको सेव कर दिया, मेन मेन्यू सेव मेन्यू कर दिया। अब मैं अगर अपना फ्रंट एंड यहाँ से रीलोड करता हूँ, और मैंने फुटर मेन्यू के अंदर ये चीज़ें ऐड की थी, तो यहाँ पे देखें वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। देखें ये कलेक्शन भी ऐड हो चुकी है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। राइट नाउ कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और मैं आपको एक क्विक सा डेमो दिखा देता हूँ। हमने शूज़ के अंदर इसको ऐड किया था, तो और यहाँ पे शूज़ वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई, शायद कोई और इशू है। तो वापस आते हैं कलेक्शंस में, और यहाँ पे शूज़ के अंदर शायद इस वजह से ये नहीं शो हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम एक और कलेक्शन ऐड कर देते हैं, शूज़ 2, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैनुअल पे रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आएं, एडिट करें इसको, और यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर जाके देखें, तो ये देखें शूज़ 2। और सिमिलरली इसको हम अब मेन मेन्यू में शो करना चाहते हैं, तो हम नेविगेशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके ये मेन फुटर मेन्यू के अंदर शो करवा देते हैं, मेन्यू शूज़ 2, और यहाँ पे हम कलेक्शंस के अंदर आएंगे और हमारे पास वो कलेक्शन नज़र आएगी शूज़ 2, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये बेसिकली मेन्यू से तो डिलीट हुई है, लेकिन ये कलेक्शन एक्चुअल में है, सिर्फ फ्रंट एंड से अपीयर होना गायब हुआ है, राइट। ये बात आप समझ रहे होंगे कि कलेक्शन तो बैक एंड पे है, लेकिन मेन्यू से हम फ्रंट एंड पे शो करवा रहे हैं उसको। तो अब देखें यहाँ पे ये शूज़ 2 वाली आ गई, और इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट है। अगर कोई और प्रोडक्ट हम इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, शर्ट, यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कोई और इमेज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ,
लेट्स से डाउनलोड्स के अंदर से मैं कोई और इमेज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने यूज़ कर ली और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से पहले सॉरी, इसको कलेक्शन में मैं शूज़ 2 के अंदर ऐड कर दूँगा। और राइट नाउ मेरे पास यही इमेज थी तो मैंने लगा दी। और अब अगर मैं इस पूरी कलेक्शन को रिलोड करूं, देखें वही इसी के अंदर आ गया, नज़र आ गया। तो इस तरह से आपकी कलेक्शंस काम करती हैं, इस तरह से आपका मेन्यूज़ काम करते हैं, और इस तरह से आपकी बाकी सारी चीज़ों का फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से कलेक्शंस काम करते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।